हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट कनिशा। तो दोस्तों, गुरुवार को जरूर करने चाहिए ये पांच काम। धन दौलत से भर जाता है आपका घर। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों गुरुवार को लेकर, शास्त्रों में बताया गया है कि ये दिन भगवान विष्णु की पूजा और आराधना से जुड़ा होता है। इस दिन यदि हम कुछ खास उपाय करें तो भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जिन जातकों की कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है उसमें भी सुधार होता है। जी हाँ दोस्तों गुरुवार का महत्व और ज्योतिष और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बहुत ही खास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। वही ज्योतिष में गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर आपकी करियर में तरक्की रुक जाती है और आपकी दारिद्र्य का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बृहस्पतिवार को कुछ खास विशेष उपाय करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और आप फिर से तरक्की के राह पर चल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ऐसे खास उपाय के बारे में और ऐसे पांच काम आपको जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर एक, गुरुवार को घी का दीपक अवश्य जलाएं। जी हाँ, गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और फिर सूर्य देवता को अर्घ देकर अपने दिन का आरंभ करें। दोस्तों, उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाए और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दे। दोस्तों, भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपकी सुख समृद्धि का वरदान देंगे। तो दोस्तों, ये अवश्य करें। दोस्तों, नंबर दो, विष्णु चालीसा या विष्णु नाम स्तोत्र का पाठ करें। जी हाँ, गुरुवार को विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको करना यह है कि गुरुवार को स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगा जल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और गुरुवार की कथा पढ़े। दोस्तों उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा का या फिर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को पीले मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, ये अवश्य करें। दोस्तों, नंबर तीन, गुरुवार को पीले फलों का दान अवश्य करें। शास्त्र में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। दोस्तों, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला पपीता फल का दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरत लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, अवश्य करें। दोस्तों, नंबर चार, गुरुवार को दूध केसर का ये खास उपाय। जी हाँ, गुरुवार को केसर को किसी भी रूप में प्रयोग आपकी ग्रह दशा को शुभ बनाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। गुरुवार को रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर इसका उपयोग करें। दोस्तों, आप ये भी कर सकते हैं कि दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। ये उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है और आपकी सुखी और समृद्ध बनाता है। तो दोस्तों, अवश्य करें। दोस्तों, नंबर पाँच, गुरुवार को गुरु का आशीर्वाद। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन गुरु को भी समर्पित होता है। यदि आप कोई आध्यात्मिक गुरु है तो गुरुवार को जाकर उनसे भेंट करें और उनके उपहार के लेकर जाए। दोस्तों, चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले। ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की हासिल होगी। यदि आप कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर पुजारी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये पांच काम है, यदि आप गुरुवार के दिन ये करते हैं तो दोस्तों आपकी तरक्की पक्की समझो। आपके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बरसेगी। तो दोस्तों, ये पांच काम अवश्य करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में जय श्री विष्णु नमः, जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।